पागल है क्या? क्या कर रहा है? क्यों ऐसे कर रहा है? भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया। पैर में लग गया कुछ दे दो ना, दवा करा देगा साहब। अरे भाई मत दे, इन लोग का नाटक रहता है। पैर में कुछ लगा है नहीं, बस नाटक करके पैसा लेते हैं वो सब। हम बहुत आते इधर, जाओ आगे। नहीं यार लगता सच में लगा वो। भाई साहब सुनो सुनो, आगे राइट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक सरकारी, वहाँ पे जाओगे तो आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा, वहीं करा लो। साहब
अरे इतना हट्टा कट्टा है, किधर काम भी कर, भीख क्या मांग रहे है? अरे इतने हट्टे कट्टे हो, जाके कुछ काम करो ना। साहब कुछ खाना। अरे इतना हट्टा कट्टा है, जा कुछ काम धंधा कर। इतना हट्टा कट्टा है, जा कुछ काम धंधा कर। हट्टा कट्टा है, किधर काम भी कर, किधर काम भी कर, भीख क्या मांग रहे है? अरे इतने हट्टे कट्टे हो, जाके कुछ काम करो ना। अरे इतना हट्टा कट्टा है, जा कुछ काम धंधा कर। हट्टा कट्टा है, किधर काम भी कर, किधर काम भी कर, भीख क्या मांग रहे है? अरे इतने हट्टे कट्टे हो, जाके कुछ काम करो ना। इतना हट्टा कट्टा है, जा कुछ काम धंधा कर। हट्टा कट्टा है, किधर काम भी कर, किधर काम भी कर, भीख क्या मांग रहे है? अरे इतना हट्टा कट्टा है, जा कुछ काम धंधा कर। सब कोई काम है क्या? नहीं नहीं इधर काम नहीं है। दादा कोई काम है क्या? नहीं इधर का काम नहीं है। अरे प्रमोद, मैंने तुझे कहा था ना कि एक ऑफिस बॉय ढूंढ। हाँ तो मिला कि नहीं? अरे यार थोड़ा जल्दी देखना, आजकल बहुत पेंडिंग रह रहे यार काम, अर्जेंट है थोड़ा। साहब। हाँ साहब कोई काम दे दो ना साहब। प्रमोद मैं बाद में बात करता हूँ, काम चाहिए। ये पैसे रख, कल अच्छे कपड़े पहन के सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है, वहां आ जाना, काम मिल जाएगा। ये सेकंड फ्लोर पे? हाँ ये सेकंड फ्लोर पे, कल आओ ना साहब। हाँ और काम कर लेगा ना? हाँ साहब। तो फिर कल सेकंड फ्लोर पे सुबह 10 बजे तक आ जाना। कल आएगा साहब। बोलो क्या काम है? उस सर ने बुलाया था। अच्छा बैठे दो मिनट, बुलाता हूँ। सर कोई लड़का है आपसे, आपने किसको बुलाया था? हाँ हाँ भेज दो। तो तेरा काम कुछ नहीं है, झाड़ू पोछा ना लगाना ना वहां पे, रोज पानी देना सबको।
सूरज। हाँ सर। ये पकड़ तेरे एक महीने की सैलरी, ठीक है? और हाँ सुन, मैं ना दो दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा ऑफिस का ध्यान रखना। हाँ हाँ सर। बोलो क्या हुआ? ये शशांक बोल रहा था, सूरज भिखारी था, भीख मांगता था। हाँ, सर को एक ऑफिस बॉय चाहिए था तो उनको अचानक सूरज दिख गया तो उसने भीख की जगह काम मांग लिया तो सर ने उसको काम दे दिया। अच्छा है ना, किसी जरूरतमंद की मदद की, उसकी जिंदगी बना दी, आज मेहनत करके काम कर रहा है, वरना इधर उधर भीख मांगता फिरता। अच्छा है, काम कर रहा है। सूरज, 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 पानी लेके आना। भगवान के नाम पे दे दे भाई। अनिकेत, शशांक, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? हाँ जाओ सूरज, तुम अपना काम करो, जाओ, उनके मुंह मत लगो, जाओ। सर ये जेरोक्स बोले थे सर। हाँ ठीक है, जाओ। सूरज। हाँ सर। हाथ आगे करना। हाँ सर। ये ले जा, भगवान के नाम पे कुछ खा लेना। ऋषि,
ऋषि जी सर। अरे वो सूरज को कुछ काम बोला है क्या? बहुत घाई में लग रहा था। बोलो क्या हुआ? शशांक और अनिल के पीछे बिल्डिंग लग रही है। तुम लोग को शर्म नहीं आती? मुझे पता नहीं था तुम लोग की सोच इतनी छोटी है। तुमने क्यों बोला ऐसा उस सूरज को? क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें पता था ना मैं 2 दिन में ऑफिस में नहीं हूं, तो फिर क्यों ऐसा बोला उसे? और तुम्हें क्या लेना देना उसके बैकग्राउंड से? मैंने काम दिलाया उसे, क्यों अनिकेत? शशांक और मनीष तुम भी काम पे ध्यान नहीं है तुम लोगों का, फालतू चीजें में ज्यादा लगे हो। और अगर अब वो जान दे देता है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तुम लोग है क्या? तुम लोग को ना मैं बाद में देखता हूं, अभी मैं पहले उससे मिलके आता हूं, उसको लेके आता हूं। ऋषि मेरे ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोलो। सूरज, 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 पागल है क्या? क्या कर रहा है? क्यों ऐसे कर रहा है? बचा है क्या मेरी जिंदगी में? कोई मुझे अपनाता क्यों नहीं है? जब मैं 14 साल का था, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। अपना बोलने वाले बस 2 ही जन थे, वो भी छोड़ के चले गए। रस्तों पे रहा, भीख मांगा, एक नौकरी मिली सर, उधर पे भी कोई नहीं अपना रहे सर। मैं अपना सहारा जो सीखा सर, सब रास्तों से सीखा ना सर, वही कर रहा हूँ ना सर। कोई आस नहीं, मैं खुद में ही एक सवेरा बनूं, ऐसा ही हो